हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में, जो कि पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का। सो एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज की यह सेवेंथ वीडियो जिसमें हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, वैदिक लिटरेचर, पोस्ट वैदिक लिटरेचर, ये सब आप जो है ये सब वीडियोज आप देख सकते हो इस हिस्ट्री में बिफोर यू बिगिन विद जैनिज्म। एंड अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो upsc.com से, या फिर अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, और इन सब का लिंक आपको दे दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो, यानी कि जैनिज्म की। सो सबसे पहले अगर हम बात करें जैनिज्म के इंट्रोडक्शन की, सो जैनिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन, बट इसका जो ओरिजिन कब हुआ था इस चीज का एविडेंस जो है आज तक नहीं मिल पाया है। जैनिज्म को जो प्रोपगेट करने वाले लोग थे, यानी कि जो टीचर्स थे जो ये फिलोसफी आगे लोगों तक लेके जाते थे, उनको तीर्थंकर्स बोला जाता है। टोटल 24 तीर्थंकर है, जिनमें लास्ट तीर्थंकर है महावीर। सो महावीर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है, और उन्होंने ही जैनिज्म को दोबारा रिवाइव किया है। तो क्या रहे हैं कि जैनिज्म जो फिलॉसफी थी जैनिज्म की, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपनाया। तो उन कारणों की अगर हम बात करें कि दोबारा रिवाइव क्यों हुआ, तो सबसे पहला जो कारण है वो है वैदिक जो रिचुअल्स थे उनका बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट होना, कि वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके थे। ओके, सो जो वेद थे वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके थे, जो उनमें रीति रिवाज दिए जाते थे वो अंधविश्वासों से भर चुके थे, और आम लोगों को ये चीज़ें अब हजम नहीं हो रही थी। इसीलिए बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ऐसे सेक्ट जो है वो सामने आए। ओके, और जो यज्ञ वगैरह की बात की जाती थी वैदिक रिचुअल्स में, वो भी आम लोगों की पहुँच से बाहर हो चुके थे। और साथ ही साथ जो वैदिक टेक्स्ट था, उसकी जो लैंग्वेज यानी कि संस्कृत थी, वो आम लोगों की भाषा नहीं थी, वो उनको समझ में नहीं आती थी। वेयरएज जो जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो तब के जो लोग जो लैंग्वेज यूज करते थे उन्हीं लैंग्वेज में वो लिखी गई है। सो आम लोग ज्यादा उसे समझ सकते थे, इसीलिए जैनिज्म जो है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपनाया उस टाइम पे। ओके, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण रहा इस चीज का, वो है वर्ण सिस्टम, यानी कि कास्ट सिस्टम, जो वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा रिजिड हो चुका था। लोग अपने ऑक्यूपेशन खुद नहीं चुन सकते थे, उनको क्या करना है वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते थे। वर्ण सिस्टम की जो लोएस्ट कास्ट थे यानी कि शूद्र थे, उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा जो है मिजरेबल बन चुकी थी, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रही थी सोसाइटी में। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म ने उनको एक ऐसा वे जो है प्रोवाइड किया, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, कि वो भी एक रिस्पेक्टेबल, एक ऑनरेबल लाइफ जी सके। तो यही कारण रहे जैनिज्म के रिवाइवल के। सो जैनिज्म के इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करने जा रहे हैं तीर्थंकर्स की। तीर्थंकर्स यानी कि द टीचर्स ऑफ जैनिज्म, जो जैन फिलोसफी को प्रोपगेट करते थे, स्प्रेड करते थे, उनको तीर्थंकर्स बोला जाता है। और टोटल 24 तीर्थंकर्स रहे हैं जैनिज्म में। सबसे जो पहले तीर्थंकर है वो है ऋषभनाथ, और जो लास्ट तीर्थंकर है वो है महावीर। ओके, सो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थंकर्स हैं, बाकी के तीर्थंकर्स के नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जो फर्स्ट तीर्थंकर है यानी कि जो ऋषभनाथ है, उन्होंने ही वॉज फाउंडर ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी से बाकी के 21 तीर्थंकर जो है वो आए। और जो दो तीर्थंकर बचे हैं यानी कि 20th और 22nd जो तीर्थंकर हैं, मुनि सुव्रत और नेमिनाथ, दे बिलोंग टू हरिवंशा डायनेस्टी। सो ज्यादातर तीर्थंकर बिलोंग टू इक्ष्वाकु डायनेस्टी फाउंडेड बाय फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ, एंड 20th एंड 22nd जो तीर्थंकर है दे बिलोंग टू हरिवंशा डायनेस्टी। बट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर यानी कि लास्ट तीर्थंकर, 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जिनका नाम है महावीर। सो इनको सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर क्यों माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो भगवान महावीर हैं, इन्होंने जैनिज्म को री इस्टेब्लिश और रिवाइव किया था। ओके, और इनकी लाइफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इनका जन्म हुआ था प्रेजेंट डे बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, एक जगह है कुंदर ग्राम, वहाँ पर इन 599 BC। पेरेंट्स की बात करें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ही बिलोंग टू जंत्रिका क्लैन, और माता का नाम था त्रिशाला, एंड शी वॉज अ लिच्छवी प्रिंसेस। ओके, और इनके जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा, और उनकी एक डॉटर है और इनका नाम था अनुजा। और 30 साल की उम्र में जो भगवान महावीर, उन्होंने अपनी जो फैमिली लाइफ उसका त्याग करके स्टार्टेड लिविंग लाइक एसेटिक, यानी कि तपस्वियों जैसी जिंदगी इन्होंने जीना शुरू कर दिया था। और आफ्टर अबाउट 12 या 13 ईयर्स, 12 या 13 साल बाद इनको जो है एनलाइटमेंट अटेन हुई, जिनको जैन टर्म्स में केवल ज्ञान जो टर्म यूज करते हैं एनलाइटमेंट के लिए, एंड ही अटेन द एनलाइटमेंट अंडर अ साल ट्री। ओके, और
एनलाइटमेंट अटेंड करने के बाद जो पहला उपदेश है वो भगवान महावीर ने राजगीर में दिया था, और उनकी जो पहली शिष्य थी उनका नाम है इंद्रभूति गौतम। ओके, और 30 साल तक फिर उन्होंने अपने जो उपदेश दिए अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 72, और 72 की एज में ही डाइड। और इस स्टेट को यानी कि डेथ को जैन टर्म्स में निर्वाण बोलते हैं। सो ही अटेंड ऑब्टेंड निर्वाण एट द एज ऑफ 72। ओके, सो ये थी लाइफ हिस्ट्री ऑफ लास्ट तीर्थंकर यानी कि 24th तीर्थंकर ऑफ जैन्स। अब हम बात करेंगे महावीर के कुछ टीचिंग्स की जिनको कलेक्टिवली अगमास बोला जाता है। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो ही रिजेक्टेड द वैदिक प्रिंसिपल यानी कि वेदों में लिखे गए जो रिचुअल्स थे या फिर जो सेरेमनीज थी, जो सेक्रीफाइस थे, इन सबको रिजेक्ट किया था। सेकेंड, ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस यानी कि आसपास की जो लाइफ है, अकॉर्डिंग टू हिम ये जो लाइफ है, जो यूनिवर्स है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, ना कि किसी गॉड की क्रिएशन या भगवान की बनाई हुई चीज़, ये नहीं है, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन। Okay, and he believed in karma and transmigration of soul, यानी कि जो जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे। और transmigration of soul का मतलब है कि जब किसी की death होती है तो उसकी सिर्फ body की death होती है, ना कि उसकी soul की, उसकी आत्मा की death नहीं होती है with the death of that person। Okay, और caste system की अगर हम बात करें तो भगवान महावीर के जो thought कुछ ऐसे थे कि किसी भी इंसान को हम अच्छा या बुरा उसके कर्मों की वजह से कहेंगे, ना कि उसके जन्म की वजह से। यानी कि किसी का बर्थ अगर लोअर कास्ट में होता है उसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को हम बुरी नजर से देखेंगे, एज अ बैड पर्सन देखेंगे। ठीक है, सो अच्छा या बुरा इंसान अपने कर्मों से होगा, ना कि अपने जो है बर्थ की वजह से। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थी लास्ट तीर्थंकर यानी कि भगवान महावीर की। अब हम देखने जा रहे हैं जैनिज्म के दो इंपॉर्टेंट जो डिनोमिनेशंस हैं उनकी बात हम करने जा रहे हैं जिनको सेक्ट बोलते हैं। तो जो तो दो इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं वो हैं दिगंबर्स और श्वेतांबर्स। ठीक है, तो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि जो दिगंबर कैटेगरी के मॉन्क्स हैं दे डू नॉट वियर क्लोथ, वेयरएज जो श्वेतांबर कैटेगरी के जो मॉन्क्स हैं वो जो अपना तपस्वी जीवन जीते हैं वो वाइट क्लोथ पहन के जीते हैं, यानी कि सफ़ेद कपड़े पहन के जीते हैं। ओके, बाकी कुछ मेजर डिफरेंस इन दो कैटेगरीज में नहीं है, रिचुअल्स और वे ऑफ लाइफ में कुछ माइनर डिफरेंसेस ही हैं। तो दो इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हो गए, दिगंबर्स और श्वेतांबर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स जो जनरल टीचिंग्स हैं, यानी कि लॉर्ड महावीर की हमने टीचिंग्स की थी, अब हम जैनिज्म की जनरल टीचिंग्स देखेंगे। फिलोसफी की जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है महाव्रत और त्रिरत्न। ठीक है, सो महाव्रत टोटल 5 हैं जो कि अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, तो किसी भी वायलेंस से दूर रहना एक डॉक्ट्राइन है, एक प्रिंसिपल है जैनिज्म का। सत्य यानी कि हमेशा सच बोलना और सोच समझ कर बोलना। असत्य यानी कि नॉन स्टीलिंग, डू नॉट स्टील एनीथिंग, कहीं से भी कुछ चुराना नहीं चाहिए। फिर है ब्रह्मचार्य यानी कि चेस्टिटी, सिंप्लिसिटी एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम वुमेन, इसका मतलब है। ओके, और साथ ही साथ जो लास्ट महाव्रत है वो है महाव्रत अपग्रह यानी कि देयर शुड बी नो ग्रीड, किसी भी चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए, किसी प्रॉपर्टी का या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए। सो ये 5 महाव्रत हैं जैनिज्म की जो है फिलॉसफी में। और त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न है राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। राइट फेथ जिसको सम्यक श्रद्धा बोला जाता है, राइट नॉलेज जिसको सम्यक ज्ञान बोला जाता है, राइट एक्शन यानी कि सम्यक कर्म। ये त्रिरत्न और ऊपर वाले हैं 5 महाव्रत जो कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य और अपग्रह। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स जो कि है जैन काउंसिल्स। सो दो जैन काउंसिल्स होती हैं। पहली जो काउंसिल होती है वो होती है पाटलिपुत्र में 300 BC में। दिस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय स्थूलबाहु। और इस काउंसिल में भगवान महावीर की टीचिंग्स को 12 अलग अलग अंग में डिवाइड किया गया था। ओके, सेकंड काउंसिल होती है गुजरात में वल्लभी नाम की जगह में इन 521 AD। एंड ये प्रिसाइड की थी देवराधिगानी ने, और इसका पर्पज था जैन जो लिटरेचर है, जो जैनिज्म में सेक्रेट लिटरेचर है उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना। और ये 12 अंग जो थे जिनकी हमने बात की थी उनमें से जो लास्ट था वो गुम हो गया था इस टाइम तक, और बाकी सब जो लिटरेचर है जैनिज्म का उसको लिख दिया गया था अर्धमगधी भाषा में। ओके, सो फर्स्ट काउंसिल होती है 300 BC में, सेकंड होती है 521 BC में। अब हम बात करेंगे जैन लिटरेचर की।
सो जैन टेक्स्ट को कलेक्टिवली अगमास बोला जाता है और ये जो है ये अर्धमगधी और प्रकृत भाषा में लिखे गए थे, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये लोकल लैंग्वेजेस है उस टाइम के लोगों की, इसीलिए ये जैनिज्म के रिवाइवल में हेल्प भी करता है जैन लिटरेचर। ठीक है, सो अगमास की अगर हम बात करें तो टोटल 46 टेक्स्ट है इसमें, जिनको फर्दर डिविजन भी हैं, यानी कि इसमें 12 अंग हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 10 परिकर्णिका सूत्र हैं और 2 कुलिका सूत्र हैं। ओके, सो जो छेद सूत्र और मूल सूत्र हैं ये अबाउट कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ मॉन्क्स एंड नंस, यानी कि जो जैन तपस्वी हैं उनके उनका कंडक्ट उनका बिहेवियर ये सब जो है डिस्क्राइब किया गया है मूल सूत्र और छेद सूत्र में, और परिकर्णिका सूत्र में इंडिपेंडेंट टॉपिक्स पे जो लिखा गया है, और जो कुलिका सूत्र है वो रिलेटेड है अंग के साथ ही, जैसे वेदों का उपवेद लिखे गए थे जो उसी तरह से जो कुलिका सूत्र है ये कॉम्प्लीमेंट्री टेक्स्ट है टू अंग। ठीक है, और इनकी जो भाषा थी वो थी अर्धमगधी और प्रकृत। सो जैन लिटरेचर के बाद हम बात करने जा रहे हैं डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म की। सो कुछ एक कारणों पे नजर डाले जिसकी वजह से जैन जो जैनिज्म की पॉपुलैरिटी कम हुई है, यानी कि उसमें डिक्लाइन आया। तो सबसे पहला है जो हार्श और रिजिड रूल्स जो बने थे मॉन्क्स और नंस के लिए, यानी कि जो जैन तपस्वी थे उनके लिए। फिर जो अहिंसा की थ्योरी थी उसको भी फॉलो करना मुश्किल हो रहा था आम लोगों के लिए। ठीक है, और फिर इसको स्प्रेड करने का भी कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा था। सो ड्यू टू लैक ऑफ मिशनरी एफर्ट भी जो जैनिज्म की पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन आया था। उस टाइम के जो राजा या जो किंग्स थे वो भी कोई एफर्ट नहीं लगा रहे थे जैन फिलोसफी को स्प्रेड करने में। ठीक है, और जो प्रेजेंट डे जैनिज्म है ये हिंदुइज्म से काफी मिलता जुलता है, यानी कि आइडल वर्शिपिंग वगैरह। सो भगवान महावीर जो है वो खुद एक खुद उनका मानना था कि गॉड के एग्जिस्टेंस में वो विश्वास नहीं करते थे और लोगों ने उन्हीं को भगवान बना दिया था। तो काफी जो है पहले के रिलीजन के साथ जिससे लोग तंग आ चुके थे उसके साथ मिलता जुलता ये एक नया रिलीजन बन गया था। और रिवाइवल ब्राह्मणिज्म ये भी एक कारण रहा है जैनिज्म और बुद्धिज्म के डिक्लाइन का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भक्ति मूवमेंट शिवाइज्म वैश्वनाइज्म इनका रिवाइव कर इनका जो है लोगों के बीच पॉपुलर होना भी एक कारण रहा है जैनिज्म के डिक्लाइन का। ओके, सो ये था अबाउट जैनिज्म जो कि पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू एडस्क्वाड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय।